नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में इस समय नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं 12 अक्टूबर दशमी के दिन दशहरा मनाया जाएगा। इस दौरान विशेष मेला लगता है। दुर्गा पूजा मेला एक भव्य उत्सव है, जिसे हर साल बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक है, जिसमें उनकी भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत और विभिन्न हस्तशिल्प की दुकानें लगती हैं। लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पूजा करते हैं और विभिन्न व्यंजन का आनंद लेते हैं। इस दौरान विशेष झांकियों और पंडालों की सजावट दर्शकों को आकर्षित करती है। यह उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक समागम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर आप बच्चों को मेला में ले जाने का सोच रहे हैं, तो कुछ सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों के साथ मेले में जाने के कुछ ध्यान देने योग्य बातें। भीड़ से सावधान रहे। दशहरा मेले में भारी भीड़ होती है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे खतरों का अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए आपको उनकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। हाथ ना छोड़ें। बच्चों के हाथ को हमेशा थामे रखें। अगर आप उनकी पकड़ छोड़ देते हैं, तो वे आपसे दूर जा सकते हैं और खो सकते हैं। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। पर्ची रखें। बच्चों के जेब में एक पर्ची रख दें, जिसमें आपका नाम, घर का पता और मोबाइल नंबर लिखा हो। अगर बच्चा कहीं खो जाता है, तो कोई मददगार उसे पहचान कर आपको कॉल कर सकता है। बातचीत करें। बच्चों को समझाएं कि अगर वे आपसे अलग हो जाएं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें किसी वयस्क से मदद मांगने के लिए कहें। जल्द बाहर निकलने का रास्ता पहचानें। मेले में जाने से पहले एक सुरक्षित निकलने का रास्ता पहचान लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत बाहर जा सकें। सुरक्षित सामान रखें। बच्चों के सामान में ज़रूरी चीज़ें जैसे पानी की बोतल, स्नैक्स और छोटे खिलौने रखें, ताकि वो खुश रहें। इन बातों का ध्यान रखकर आप बच्चों के साथ दशहरे के मेले का पूरा मजा ले सकते हैं। सुरक्षित रहें और उत्सव का आनंद उठाएं। आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध दुर्गा पूजा मेला कहाँ लगता है? स्थान के साथ जिला और राज्य का नाम भी अवश्य लिखें। ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।